नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुरु पूर्णिमा से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, शास्त्रों में गुरु पूर्णिमा का अद्भुत महत्व बताया गया है। शास्त्र कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन्होंने गोविंद दियो बताए। यदि आपको ईश्वर तक पहुंचना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो मनुष्य का जो यह दुर्लभ जीवन ईश्वर ने आपको या फिर हमें प्रदान किया है, इस जीवन को पाकर यदि आपने अपने जीवन के अंदर गुरु नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर आपका जीवन अधूरा है। और ऐसा कहा जाए कि जीवन बेकार है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस मनुष्य के जीवन में बहुत सारे लोग या हम सब सत्कर्म करते हैं, यानी कि पूजा पाठ, दान पुण्य करना, गरीबों की मदद करना, और हम सब चाहते हैं कि हमारा लोक और परलोक यानी कि यह जीवन भी सफल हो जाए और साथ साथ में आने वाला जो जन्म हो वो भी अच्छा प्राप्त हो, हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहे। लेकिन कई बार अथक प्रयास के बाद भी ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि आप जो दान पुण्य करते हैं और यदि आप पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन में आपने गुरु नहीं बनाया है तो उस पूजा पाठ, उस दान पुण्य का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए मनुष्य का जीवन प्राप्त करके और जीवन रूपी जो नाव है उसको पार उतारने का कार्य गुरु के द्वारा ही होता है। इसलिए गुरु जीवन का मार्गदर्शक है। अगर आप किसी भी समस्या में फंसे हैं और गुरु का शुभ आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त हो जाए तो बड़े से बड़े समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस महान पर्व पर अपने गुरु का पूजन करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए, और आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसका जप भी करना चाहिए। और यदि आपके गुरु है और कहीं दूर या फिर आसपास में रहते हैं तो आपको उनको जाकर मिलना चाहिए और मिलकर और भगवान गुरुदेव को, क्योंकि गुरु का जो पद है वो भगवान से भी ऊंचा शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए गुरु का विधिवत पूजन करना चाहिए, चरण धोना चाहिए, और चरण धोने के बाद षोडशोपचार गुरु का पूजन करना चाहिए और उन्हें वस्त्र इत्यादि और जो भी आप समर्पित कर सकते हैं, गुरु को दान नहीं दिया जाता है, समर्पण का भाव होना चाहिए कि हे गुरुदेव यह सब आपका ही है। समर्पण करें, गुरु के चरणों में जाकर जो भी आप समर्पित कर सकते हैं समर्पित करें और गुरु का शुभ आशीर्वाद आप अपने जीवन में प्राप्त करें। निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन और क्या करना चाहिए, तो गुरु का पूजन करें, संतों का पूजन करें, ब्राह्मणों को दान इत्यादि देना चाहिए, और उसके पश्चात कोई गरीब है और जिसकी आप मदद करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी मदद भी करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अलग अलग वस्तुओं का दान करना चाहिए, और साथ ही साथ में पीले वस्तुओं का अद्भुत महत्व है, क्योंकि गुरु का रंग पीला होता है। गुरु बृहस्पति जो ग्रह है वह देव गुरु है, उनका भी रंग पीला है। इसलिए पीले भोग इत्यादि समर्पित करें भगवान को, गुरु का पूजन करें और गुरु को पीले वस्तुओं का दान करें, साथ में ब्राह्मणों को पीले वस्तुओं का दान करें। तो गुरु पूर्णिमा 2022 कब है यह जान लेना अत्यंत आवश्यक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा के महान पर्व के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का जो महान पर्व है यह 13 जुलाई 2022 यानी कि बुधवार के दिन इसको बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। यदि आपने अपने जीवन में अपने गुरु बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपने यदि गुरु नहीं बनाया है तो निश्चित तौर पर आपको गुरु बना लेना चाहिए। गुरु मंत्र आपके जीवन में अद्भुत महत्व रखता है, और गुरु पूर्णिमा का जो दिन है इसे महर्षि वेद व्यास के पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और बड़े बड़े महान ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की, और अंत में जब संतुष्टि नहीं मिली तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी इन्होंने की। इसलिए गुरु का पद बड़ा ही उत्तम और बहुत ही ऊंचा है। इसलिए आप अपने जीवन में गुरु बनाए, गुरु पूजन करें, और निश्चित तौर पर आपके जीवन में किसी भी समस्या के अंदर आप फंसते हैं तो गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बात का विशेष ख्याल रखें, आज के दौर में लोगों का गुरु के प्रति आस्था कम होता जा रहा है। यदि आप गुरु बनाते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में कभी भी गुरु के प्रति कोई भी अगर गलत भाव आपके मन में उत्पन्न होता है तो
स्वामी बनते हैं, इसलिए गुरु के प्रति सदैव पूर्ण आस्था और विश्वास रखें और गुरु के प्रति आपका पूर्ण आस्था आपके मन में हमेशा होना चाहिए। तो मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।